हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज गुरु पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन पीटीईटी 2019 के ऑनलाइन आवेदन भरने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें और फॉर्म भरते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ इसके जो सामान्य जो इंस्ट्रक्शन है बीएड 2019 के लिए वो उसके बारे में बता देता हूं। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो बीएड इंटीग्रेटेड है वो 2 साल और प्लस 4 साल दोनों के लिए है। यानी जिस विद्यार्थी ने 12th पास आउट की है और वो बीएड करना चाहता है तो वो बीए या बीएससी प्लस 1 साल की उसकी बीएड हो जाएगी, तो वो 4 साल वाले कोर्स में अप्लाई करें। यदि जिन्होंने बीए बीएससी पास आउट हैं तो वो 2 साल के लिए अप्लाई करें। और यदि आप बीए बीएससी फाइनल ईयर में है तो भी आप इसको 2 साल के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है और पेमेंट भी आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा या ऑफलाइन भी आप किसी ई-मित्र में जाकर के ऑफलाइन भी आप जमा करवा सकते हो। और ये जो ऑनलाइन इसकी जो फीस रहेगी वो 500 रुपये रहेगी। फिर इसकी एग्जाम होगी और एग्जाम होने के बाद यदि आपका नंबर आ जाता है तो आप बीएड के लिए कॉलेज आपको आवंटित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको आगे ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हो तो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आप जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन से संबंधित जुड़ी विभिन्न प्रकार की वीडियोज हैं वो समय समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके अलावा फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपके पास एक तो फोटो होनी चाहिए, एक आपका सिग्नेचर होना चाहिए, एक आपके थंब लेफ्ट का होना चाहिए यानी बाएं अंगूठे का निशान आपके पास, यानी बाएं अंगूठे का निशान आपके पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इनकी जो साइज है फोटो की मैं बता देता हूं, अधिकतम 100 KB होनी चाहिए और फोटो के लिए कम से कम 50 KB की हो, अधिकतम 100 KB की। और यहाँ जो सिग्नेचर है वो अधिकतम 50 KB के और कम से कम 10 KB के। और अपना जो सिग्नेचर थंब इम्प्रेस है वो अधिकतम 100 KB का और कम से कम 50 KB का होना चाहिए। तो अपन ऑनलाइन भरने के लिए अपने को ये ही मुख्य तौर पर जो अपने अपलोड करने हैं दस्तावेज वो चाहिए। इसके अलावा आपके पास अपने 10th की, 12th की, अपने ग्रेजुएट की, बीए बीएससी की, इसके अलावा अगर आपने एमए या एमएससी कर रखी है तो उसके बोर्ड और उसके जितने आपने नंबर प्राप्त किए हैं, टोटल कितने नंबर का एग्जाम थी और उनमें से आपने कितने प्राप्त किए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आवश्यक होंगे। तो वो पहले आप तैयार रखें और उसके बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो डूंगरगुड़ विद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो नोटिफिकेशन है। और अब की बार जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के द्वारा ये जो पीटीटी 2019 की एग्जाम की पूरी व्यवस्था इसी के द्वारा की जाएगी, प्री टीचर एजुकेशन की। और इसको ऑनलाइन भरने के लिए फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हो या आपके पास घर में पर्सनल अपना कंप्यूटर या लैपटॉप तो भी आप घर बैठे इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, बशर्ते यदि आपके पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की फैसिलिटी है। यदि आपका अकाउंट ऑनलाइन है तो आप इसको ऑनलाइन पेमेंट भी करा सकते हो। और अब की बार आईसीआईसीआई बैंक को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको www.ptt2019.net पर कर सकते हो या फिर ptt2019.org पर भी आप ऑनलाइन इसे अप्लाई कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये अधिसूचना जारी हुई है और ये 9 फरवरी 2019 को हुई है, यानी आज, यानी 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। और मई में इसकी जो एग्जाम है वो होने वाली है फ्रेंड्स। तो यहाँ जनरल नोटिफिकेशन दिया है, यदि न्यूनतम आपके बीए या बीएससी में 50% है तो आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हो। और महिलाओं को और यहाँ जैसे विधवा है, दिव्यांग हैं, जो निम्न श्रेणी जाति के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, SC/ST है, तो वो विद्यार्थी उसके बीए बीएससी में 45% यदि अंक हैं तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसके लिए एलिजिबल है। तो फ्रेंड्स, चलिए अपन ऑनलाइन करने की जो प्रक्रिया है वो करते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर में एक ब्राउजर है वो ओपन कर लीजिएगा। तो चलिए मैं एक ब्राउजर ओपन करता हूं और एक साइट मैंने लगाई है www.ptt2019.org मैंने लगाई है। जैसे ही आप इस साइट को लगाओगे तो आपके सामने ऐसा जो फेस है या ऐसा जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ फ्रेंड्स आप विशेष ध्यान दें, यदि आप बीए या बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या फिर आपने बीए या बीएससी कंप्लीट कर ली है तो आप इस लिंक की सहायता से जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई करें। यदि आप 12th पास स्टूडेंट हो तो राइट साइड में ये जो लिंक है यहाँ से जाकर के आप ऑनलाइन है वो फॉर्म है वो फिल करें। ये केवल 10+2 पर आधारित है और 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके लिए है, और जो कॉलेजियर हैं बीए बीएससी के छात्र हैं तो वो 2 साल कोर्स के लिए यहां से अप्लाई करें। यदि आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप यहां से जाकर के नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हो। यहां इसकी डेट के बारे में पूरा जो शेड्यूल है इन्होंने दे रखा है, तो यहां से आप इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है वो देख सकते हो। तो चलिए अपन ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई करते हैं। और मैं ये जो फॉर्म है फ्रेंड्स जो 2 साल ईयर के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उन्हीं के लिए है। तो आप जैसे अगर 12th पास आउट विद्यार्थी हैं या 12th पास आउट वाले के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आप यदि कोई कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं या ई-मित्र वाले हैं तो यहाँ से जाकर जो मांगेंगे जो सूचनाएं हैं वो यहाँ से आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 साल के कोर्स के लिए यानी बीए या बीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स यहाँ फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्टेप नंबर 1 है वो ओपन हो जाएगी। तो स्टेप नंबर में आपका कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसके पिता का नाम और जन्म तिथि और पेमेंट का ऑप्शन आपको भरना है। नेम ऑफ कैंडिडेट में नाम और पिता के कॉलम में नाम भरने के बाद आपको अपनी जन्म तिथि इन कॉलम में सेलेक्ट करनी है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी आप ये फॉर्म फिल करो तो हर जो जानकारी है वो अल्फाबेट में दीजिएगा, यानी कैंडिडेट का नाम अल्फाबेट में, फादर का नाम अल्फाबेट में, ठीक है। जन्म तिथि है, डीओबी है, वो बिल्कुल सही आपको भरना है, क्योंकि यदि यहाँ पर आपने गलत भर दी तो आगे ये सही नहीं होगी। तो डीओबी बिल्कुल सही तरीके से भरे। फिर इसके बाद आता है पेमेंट ऑप्शन। तो पेमेंट ऑप्शन का यदि आप ऑनलाइन ICICI बैंक की नेट बैंकिंग है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आप ई-मित्र चालान के द्वारा भरना चाहते हो तो आप ई-मित्र चालान को सिलेक्ट करें। तो यहाँ दोनों कंडीशन है, यदि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो यानी ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपके तुरंत अकाउंट से पैसे कटकर तुरंत आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और प्रिंट भी हो जाएगा। यदि आप ई-मित्र को सिलेक्ट करते हो तो पहले आपको फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरने के बाद जो ई-मित्र का चालान निकले वो किसी ई-मित्र सेंटर पर जाकर के उसको ऑनलाइन फिल करवाने के बाद उसके जो ट्रांजेक्शन नंबर है वो आके पुनः आपको इसी फॉर्म नंबर डालकर जो ई-मित्र के जो चालान नंबर है जो आए हैं वो डालने के बाद आपका फॉर्म प्रिंट होने के लिए तैयार होगा। यदि आपने ई-मित्र सिलेक्ट कर लिया और आपने फॉर्म ई-मित्र पे पैसे नहीं जमा करवाए तो आपका फॉर्म वो प्रिंट नहीं होगा, और फॉर्म तभी प्रिंट होगा जब आप ई-मित्र पर पैसे जमा करवा के पुनः यहाँ पर आके ई-मित्र के जो ट्रांजैक्शन नंबर जब डालोगे तभी आपका होगा। तो मैं यहाँ ई-मित्र ही सिलेक्ट करता हूँ बतौर आपको समझाने के लिए। ज़्यादातर ई-मित्र का ही है, ऑनलाइन हो सकता है कि किसी के पास हो या नहीं हो। तो चलिए मैंने ई-मित्र को सिलेक्ट किया है और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये देखिए स्टेप नंबर 2 आ गई, और 2 स्टेप आने के बाद देखिए यहाँ जो पहले नाम है ऑटोमेटिक आ गया, और यहाँ पर देखिए अभी चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए मैंने पहले ही बताया था। और माता का नाम आपको यहाँ लिखना है। माता का नाम लिखने के बाद आपको एक फोटो अपलोड करनी है, एक सिग्नेचर और एक लेफ्ट अंगूठे का जो स्कैन है वो इसमें आपको सबमिट करनी है, और तीनों ही जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बता दूं, यहाँ जो फोटो की जो साइज होगी वो अधिकतम 100 KB होगी, ठीक है। 100 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 20 KB से कम नहीं होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर की जो वैल्यू होगी साइज होगी वो 50 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए और 10 KB से कम नहीं होनी चाहिए, और यही जो अपना जो थंब है वो थंब का 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 20 KB से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये बारी बारी आप अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल से यहाँ से ब्राउज करके आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ फोटो है वो सिलेक्ट करता हूँ फ्रेंड्स। तो ब्राउज पे जब क्लिक करता हूँ तो अपने को वो लोकेशन इनको बताना है कि कहाँ वो लोकेशन है, और लोकेशन करने के बाद वहाँ से वो फोटो है वो सिलेक्ट करोगे। तीनों मैंने यहाँ सिलेक्ट कर ली है और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यदि सारी इन्फॉर्मेशन सही रही, वास्तविक केबी की रही, तो इस तरह से फोटो और सिग्नेचर, हस्ताक्षर सब एक साथ आ जाएंगे। यदि फिर भी यदि इसमें कोई गलती रहेगी तो यहाँ से आप इसे चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आप देख लीजिए अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा जो कि हमने पहले भरा था। यहाँ से आपको जेंडर है वो सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल है जो भी, और मैरिटल स्टेटस आपको करना है, मैरिड हो तो मैरिड करना, यदि अनमैरिड हो तो अनमैरिड करना। यदि आप मैरिड करते हो तो यहाँ आपके जो पति का नाम है वो आपको लिखना पड़ेगा यदि आप महिला हैं, और यदि आप पुरुष हैं तो भी आप यहाँ पर अपनी वाइफ का नाम है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर महिला के केस में ही ऐसा होता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आपको बोनाफाइड लिखना है, यानी आप कौन से स्टेट के रहने वाले हो, आपका मूल जो स्टेट है वो कौन सा है, तो आपका जो मूल निवास है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे मैं राजस्थान है और राजस्थान कर लिया, और फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो जिला आपको यहाँ से सिलेक्ट करना, आपकी आवश्यकता के अनुसार जिला सिलेक्ट करना। फिर कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, ओबीसी है, एमबीसी है, एससी है, एसटी है। अब फ्रेंड्स यहाँ एक बात और विशेष दे दूं, यदि आप राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं, यदि आप ये वीडियो दूसरे स्टेट के देख रहे हैं, जैसे अपने नजदीकी जैसे हरियाणा, यूपी वाले जो साथी मेरे देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप अपने स्टेट का ही चुनाव करें। ठीक है, और अपने जैसे कैटेगरी आपने श्रेणी जनरल आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब भी कोई कैंडिडेट दूसरे स्टेट में फॉर्म भरता है तो वो ऑटोमेटिक जनरल में चला जाता है। तो यहाँ आप अपना स्टेट चुनकर वही फिल करें। फिर दूसरी बात, यदि आप महिलाएं हैं और दूसरे स्टेट से आकर आपकी जो शादी है वो राजस्थान में हो गई है, तो भी आप अपने गृह जिले को और गृह राज्य को ही आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपका जन्म स्थान वही है तो आप वहां वही आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर भी आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल ही सिलेक्ट करनी है, चाहे आपका परिवार ओबीसी में आए या ना आए, या एसटी में आए या ना आए। ठीक है, फिर भी आपको जनरल ही करना है। ठीक है, यदि आप अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम समुदाय है तो येस कर दो, वरना इसको नो रहने दीजिएगा। ठीक है, यदि आप तलाकशुदा हो तो येस कर दीजिएगा वरना नो कर दीजिएगा, यदि आप विधवा हो तो येस कर दीजिएगा वरना नो कर दीजिएगा, यानी ये ऑप्शन है। यदि आप दिव्यांग हैं तो येस कर दीजिएगा, जो भी आप पे लागू होता है उसी हिसाब से येस और नो आप करते जाइएगा। ठीक है, फिर आपका एड्रेस पता पूरा यहाँ पर आपको लिखना है। एड्रेस फ्रेंड बिल्कुल आपको सही सही लिखना है। ठीक है, यदि आपका परमानेंट एड्रेस इस कॉलम में आपको लिखना है, और आपका जो कॉर्पोरेशन एड्रेस है जहां आप फिलहाल रह रहे हो, यदि मान लीजिए कि आपका घर कहीं है और आप कहीं जाकर किराए के मकान में रह रहे हो या किसी किराए के मकान में शहर जाकर रह रहे हो, तो आप यहां लिख दीजिए। यदि दोनों समान है तो दोनों को समान आप लिख दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ अपनी एक मेल आईडी जरूर लिखना है, क्योंकि मेल आईडी पर आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आता रहेगा। जैसे हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो इसके एप्लीकेशन नंबर वो भी आ जाएंगे, और अपना जो मोबाइल नंबर है जो रनिंग मोड में है वो यहाँ पर लिखना है, क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है समय समय पर मोबाइल पर SMS के द्वारा आती रहेंगी, तो जो चालू हालत में मोबाइल नंबर वो आपको देना फ्रेंड्स। ठीक है, इतना करने के बाद आपको अपने सब्जेक्ट के लिए चुनाव करना है। ठीक है, अब देखिए आपका जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उस फैकल्टी के अनुसार अपने सब्जेक्ट का चुनाव करना है आपको। तो यहाँ चलिए मैं आर्ट्स से अप्लाई कर रहा हूँ। यदि आप साइंस से अप्लाई कर रहे हो तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो सब्जेक्ट हैं उनका आप चुनाव कीजिएगा। ठीक है, तो आपने आर्ट्स में BA की है या उसके संबंधित कोई ऐसा कोर्स किया है जो 3 साल का हो, जो BS के समथिंग हो, तो यहाँ मैं BA सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ मैं सब्जेक्ट है वो चूज करता हूँ, और सब्जेक्ट भी आपको वो चूज करने हैं जो 3 ऑप्शनल करने हैं, जो आपके बीएड में जो आपके BA में रहे हो वो ही सिलेक्ट आपको करना है। BA या BSc में जो आपने ऑप्शनल जो सब्जेक्ट लिए हैं तो वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। तो मैं चलिए यहाँ एक एक सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने हिंदी कर दिया और हिस्ट्री कर दिया मैंने, और पॉलिटिकल भी मैंने ये कर दिया। अब देखिए चौथा जो सब्जेक्ट अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है, और फिर देखिए अगर आपने चौथे सब्जेक्ट के लिए मैं इसलिए यहाँ बोल रहा हूँ, यदि आपने एमए कर ली हो और एमए में जो आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैं वो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ जो आपने एमए की है जिस सब्जेक्ट से, जैसे हिंदी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो भी है, इंग्लिश है, जो भी, ठीक है। अब यहाँ पेरेंट्स की एनुअल इनकम यहाँ पूछी जा रही है, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार कोई भी इनकम है यहाँ लिख सकते हो। तो मैं यहाँ 50,000 लिख रहा हूँ, आप जो आपकी एनुअल इनकम है वो लिखें, ठीक है। अब यहाँ आपको चॉइस एग्जाम सेंटर के बारे में बता रहा है, 3 सेंटर आपको चुनने हैं और फर्स्ट चुनाव आपको करना कि कौन से एग्जाम सेंटर पर आप पहली प्राथमिकता देते हैं, कहाँ एग्जाम है वो देना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ मैं एक सब्जेक्ट करता हूँ जो भी आवश्यकता के अनुसार है। पहला मैंने ये चुन लिया, दूसरा मैं चुनता हूँ चूरू चुनता हूँ, तीसरा मैं सिक्कर है वो चुन लेता हूँ। चलिए ये मैंने सिक्कर चुन लिया, ठीक है। 3 चुनाव कर लिए जिलों का मैंने अपने आवश्यकता के अनुसार, लेकिन फर्स्ट चॉइस जैसे आपने की है लगभग वहीं आ जाएगा, ठीक है। अब अपने एजुकेशन के बारे में यहाँ आपको लिखना है, जो जैसे सेकेंडरी है, 10वीं क्लास है, 12वीं क्लास है और ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ भरनी है, ठीक है। चलिए मैं भरता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ एक एक की जानकारी आपकी एजुकेशन की आपको भरनी है। जैसे यहाँ सेकेंडरी किया तो यहाँ से आपको बोर्ड का चुनाव करना है फ्रेंड्स। यहाँ बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की है वहाँ से इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद जो कौन से ईयर में इसको आपने पास किए वो आप यहाँ करिएगा और टोटल मार्क्स वो 10th के कितने थे और उनमें से आपने कितने प्राप्त किए, तो परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ निकल के आ जाएगा। इसी तरह से आपकी 12th को लगाना है, कौन से बोर्ड से आपने की थी, कौन सी साल में की थी, वो डिटेल भरने के बाद ये करोगे। फिर आपकी आती है BA की, तो BA की डिटेल आपको यहाँ देखिए, यहाँ एक देखिए, यहाँ पास और अपीयरिंग 2 तरह की चीजें आ रही हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखिए पास और अपीयरिंग। यदि आपने BA पास कर ली है या BSc पास कर ली है तो आप पास दिखे, यदि अभी आप फाइनल ईयर में हो तो आप यहाँ से अपीयरिंग दिखा सकते हो, ठीक है। और फिर जो अपीयरिंग आप जैसे दिखाओगे तो यहाँ आपको कोई जो सूचना है वो आपको फिल नहीं करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो चलिए मैं एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ तो ये देखिए यहाँ पर जो सूचना है फ्रेंड्स यहाँ बिल्कुल गायब हो गई है और यहाँ आपको कुछ नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि अपीयरिंग में चल रही हैं तो कुछ नहीं डालना है। यदि आप पासिंग में दिखाते हो तो फ्रेंड्स यहाँ आपको वो जानकारी पूरी आपको फिल करनी पड़ेगी, कितना जो परसेंटेज है वो आया था और कितना नहीं आया। यदि आपने एमए कर रखी है तो एमए में नॉट अप्लीकेबल कर सकते हो, अपीयरिंग और पास दिखा सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है। इच्छा तो नहीं है लेकिन जो भी आपने कोर्स कर रखा है वो अगर तो वहां से अगर यदि आपने पास कर रखा है तो पास दिखाओ और अपीयरिंग में हो फिलहाल फाइनल ईयर में हो तो आप अपीयरिंग दिखाओ, पास है तो आप यहां से पास दिखाओ, ठीक है। यहां आपको उस लिखना है क्या किया है, एमए किया आपने तो एमए यहां लिखना है और उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का आपको नाम लिखना है जिस यूनिवर्सिटी से आपने एमए की है और यहाँ से वो साल है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है और कितने जो नंबर आए हैं वो नंबर आपको यहाँ टोटल पूर्णांक कितने का था और उनमें से कितने आए वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ आपको मैं बता दूं एक जानकारी और, यदि आपके जैसे BA है कई बोर्ड में क्या होता है सेमेस्टर चलते हैं। अगर आपका जो BA है वो सेमेस्टर वाइज है तो जितने भी सेमेस्टर हुए हैं प्रत्येक सेमेस्टर के टोटल नंबर जोड़ना और टोटल में जोड़ने के बाद जिस जिस सेमेस्टर में आपने जो अंक हासिल किए हैं वो जोड़ के यहाँ लिख देना, तो परसेंटेज है ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आप कंफ्यूज न रहे। इतना करने के बाद उपयुक्त जो जानकारी है एक बार चेक कर लीजिएगा आप, यदि सभी जानकारी सही है तो आप इसे यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में मैं सत्यापित करता हूँ या करती हूँ आवेदन, सारे दस्तावेज सही है मेरी जानकारी, तो इसको आप चेक कीजिएगा। इसको चेक करने के बाद सेव एंड प्रोसेस पे आप क्लिक कीजिएगा। तो ये बोल रहा है कि वेरीफाई ऑल इन्फॉर्मेशन, यानी सभी सूचनाओं को एक बार आप फिर वेरीफाई कर लें, ठीक है। तो मैंने यहाँ वेरीफाई कर लिया है और फिर मैं यहाँ वेरीफाई करता हूँ, तो वेरीफाई करने के बाद अपनी जो प्रोसेस है वो आगे आ जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ अपना सब्जेक्ट है वो आ गया है, अपना फॉर्म नंबर और चालान नंबर देखिए यहाँ फ्रेंड्स यहाँ आ गया है, पेमेंट की जो इनवॉइस है हमारे सामने आ गया है। यहाँ से जाकर के ऊपर ये जो इनवॉइस है आप प्रिंट कर लीजिएगा और प्रिंट करने के बाद आप किसी E-मित्र पे जाकर के आप इसे जमा करवाने के बाद इस फॉर्म को, इस चालान को आप पुनः चेक करना। देखिए 500 रुपये की ये चालान बना है और ये जमा करवाने के बाद ही आप अपना फॉर्म है वो प्रिंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये फॉर्म नंबर आप संभाल कर रखिएगा और इसका एक SMS से आपके मोबाइल पे आ जाएगा और एक मेल भी आपके ईमेल पे आ जाएगी। यहाँ से आप इसका जो प्रिंट है वो फ्रेंड्स ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपने मान लीजिए कि आपने प्रिंट भी ले लिया और आपने ई-मित्र पर जमा भी करवा दिया। तो चलिए अपन वो प्रोसेस देखते हैं आगे की। तो इसको मैं एक बार बैक ले जाता हूँ और पुनः होम पेज पे आता हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं होम पेज पे आ गया हूं और यहाँ देखिए फ्रेंड्स आपको चेक, चालान, ट्रांजैक्शन स्टेटस आपको पहले चेक करना। ठीक है, यदि आपने चालान है वो ई-मित्र पर जमा करवा दिया है तो पहले आप उसका स्टेटस चेक करें। कई बार क्या होता है कि आपने चालान तो जमा करवा दिया लेकिन स्टेटस अपन जब चेक करेंगे तो वो वेरीफाई नहीं दिखाएगा, तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। तो आप 1 या 2 दिन का आप वेट करना, उसके बाद इस चीज को आप वेरीफाई करना। तुरंत भी हो जाता है लेकिन कई बार टेक्निकल इश्यू होने के कारण ये तुरंत वेरीफाई नहीं होता। तो चलिए अपन चालान की जो स्थिति है वो देख लेते। तो यहाँ फॉर्म नंबर से अपन सिलेक्ट करते हैं। जो फॉर्म हमने भरा था तो वो ये देखिए, ये अपन यहाँ अपने भर दिया और यहाँ अपने को जो जन्म तिथि है फ्रेंड्स, जन्म तिथि को सिलेक्ट करना है और जन्म तिथि को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसेस पे अपन क्लिक करेंगे और प्रोसेस पर जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो जो स्टेटस हमें दिखा देगा यदि हमारा फॉर्म पेमेंट सक्सेसफुली हुआ कि नहीं हुआ। तो ये देखिए यहाँ ये दिखा रहा है कि पेमेंट नॉट कन्फर्म, क्योंकि अभी तक हमने जमा नहीं करवाया है। यदि ट्रांजेक्शन सही हो गया और कोई दिक्कत नहीं आई तो फ्रेंड्स आपको यहाँ वेरीफाई कर देगा। तो वेरीफाई यहाँ आपको टोकन नंबर लिखने हैं। ठीक है, जैसे ही आपने भरवा दिया और आपको टोकन नंबर ई-मित्र पर जो ट्रांजैक्शन नंबर आपको देंगे, टोकन नंबर भी बोल सकते हो, ट्रांजैक्शन नंबर, तो वो आपको यहाँ भरना है। ठीक है, वो भरने के बाद आपको यहाँ से वेरीफाई करना है। तो चलिए मैं यहाँ भरता हूँ। भरने के बाद इसको वेरीफाई पे मैं क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए अभी तक ये वेरीफाई नहीं हुआ है और गलत है और इस कारण ये वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। तो चलिए हम होम पेज पर पुनः चलते हैं और अपने फॉर्म को प्रिंट करने की प्रोसेस आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स अपन होम स्क्रीन पे पुनः आ गए हैं, मेन होम पेज पे आ गए हैं वेबसाइट के। और अगर आपने ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली सबमिट कर दिया और सबमिट करने के बाद वेरीफाई कर लिया तो यहाँ से अपने फॉर्म को आप प्रिंट रीप्रिंट कर सकते हो। रीप्रिंट आप जब करोगे तो आपको बाय फॉर्म नंबर से भी आप निकाल सकते हो और बाय जनरल डिटेल यानी अपने नाम, पिता का नाम, माता के नाम और जन्मतिथि डालकर भी आप करा सकते हो। तो यहाँ अपन फॉर्म नंबर से ही इसको करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए मैंने फॉर्म नंबर डाल दी है और जन्मतिथि भी मैं आपको यहाँ डाल के दिखा रहा हूं। और इसके बाद जन्मतिथि को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसेस पे दबाएंगे। तो प्रोसेस करने के बाद देखिए यहाँ टोकन नंबर हमसे पूछेगा। कारण ये है कि टोकन नंबर अगर मान ले अपना वेरीफाई हो जाता है तब तो ये पूछने वाला नहीं है। अगर यदि फिर भी ये पूछता तो आप जो ई-मित्र से जो ट्रांजैक्शन किया था, जो टोकन नंबर आपके पास हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिएगा और सिलेक्ट करने के बाद इसे नेक्स्ट करने के बाद आप अपनी जो फॉर्म है वो प्रिंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स ये केवल मैंने एक डेमो दिखाने के लिए आपको ये वीडियो बनाया था। यदि फिर भी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से संबंधित यदि आपको कोई समस्या आती है, यदि ट्रांजैक्शन से संबंधित कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स चलिए मैं मेरे चैनल के हाईलाइट दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा चैनल है ज्ञानकुंज ग्रुप है और यहाँ पर देखिए एजुकेशन से संबंधित मैं हर प्रकार की वीडियो समय समय पर डालता रहता हूं। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन के ऑनलाइन फॉर्म अगर भरना चाहते हो तो इसकी सूचना आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। एजुकेशन से संबंधित हर प्रकार की सूचना आपको यहाँ मिल जाएगी। गवर्नमेंट योजनाओं से संबंधित एक बार आप चैनल को एनालिस कीजिए, आपको हर प्रकार की वीडियो यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना। तो इस ज्ञान कामना पर भी आपको एजुकेशन से संबंधित जो वीडियोज हैं वो मिल जाएंगे। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं ये जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वास्तव में अच्छी लगी है और तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। अगर फॉरम से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कॉमेंट जरूर करना फ्रेंड्स, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।